आपने परिवार की बात की, आप यहाँ और कांग्रेस पे इल्जाम लगता है कि कांग्रेस में राजनीति जो है वो परिवारों के सहारे चलती है, आपका परिवार भी आगे राजनीति में आएगा या नहीं, आप यहाँ फुल स्टॉप करेंगे? देखिए, कांग्रेस में केवल गांधी परिवार पर ही परिवारवाद का आरोप लगाते हैं लोग। बजत राजनाथ सिंह की बेटा विधायक है, वसुंधरा राजे बेटा भी राजनीति में है, परिवारवादी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आप ले आए, ले आए ना, और एक को मंत्री बना दिए उत्तर प्रदेश में हमारे पार्टी से ले जाके। कितने ऐसे लोग हैं इसी छत्तीसगढ़ में, रमन सिंह के बेटा सांसद बना था कि नहीं बना था, बलिराम कश्यप के बेटा, दो दो बेटा, एक सांसद बना एक मंत्री बना, छत्तीसगढ़ में अनेक उदाहरण दे सकता हूं। तो ये परिवारवाद का केवल आरोप लगाते हैं, वो केवल गांधी, इनकी तकलीफ गांधी परिवार से, इनको तकलीफ गांधी शब्द से, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, तकलीफ उनसे ही से। क्या क्या तकलीफ? और जहां तक मेरी बात है तो मैंने तो भाई ऐसा है कि मेरे बच्चों को मैंने पढ़ा लिखा दिया, मैं किसान हूं तो मेरे बेटे को मैंने खेती किसानी सिखा दिया है, उसकी शादी कर दी, अब वो स्वतंत्र हैं कि वो राजनीति में आए कि ना आए, वो जाने, उसका काम जाने। मैंने तो पालक के हैसियत से, पिता के हैसियत से मैंने उसको पढ़ने लिखने के लिए पूरा अवसर दे दिया, अपने जो पारंपरिक जो धंधा है खेती उसको मैंने सिखा दिया, स्कूल के समय भेज दिया था खेत। मेरा एक ही लड़का है, तीन लड़कियां हैं और सब अपने अपने जगह स्टेब्लिश हैं। उसके बाद आगे क्या करना है अपने जीवन के बारे में उनको निर्णय लेने का हक है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि केवल राजनीतिज्ञ है इसलिए उसके बच्चों को अपने बारे में फैसला लेने का अधिकार नहीं, ये तो गलत है ना, वो ले सक्षम है। अच्छा सुना है आप, और आप हमेशा कहते हैं कि मुझसे ये पूछ लिया करो कि गाना कौन सा पसंद है, गाने के लिए ना कहा करो, तो आजकल कौन सा गाना पसंद आ रहा है आपको? आजकल तो बढ़िया भजन सुने हम लोग, रामायण रामायण महोत्सव में। भूपेश बघेल जी, यही अंदाज है जो आपको लोकप्रिय बनाता है, चाहे आप मंच पर माने ना माने, लेकिन जनता यहाँ देख रही है और समझ रही है। बाकी शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ यहाँ इस मंच पर आए। लगता है।